चलिए महाभारत का आज टाइटल सॉन्ग मैं गाऊंगा, मुझे बहुत पसंद है। उससे पहले मैं महाभारत के तथ्य कुछ बता दूं। महाभारत में बहुत ज़्यादा पुरुषों ने, वीर पुरुषों ने जन्म लिया और वीरगति को प्राप्त भी हुए, कुछ वीरगति को प्राप्त नहीं हुए, वो बच गए, जैसे अर्जुन, अश्वत्थामा, कर्ण और आपका कहते हैं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, अभिमन्यु, वीर अभिमन्यु, महारथी कर्ण, ये सारे वीर पुरुष जन्म लिए और इन्होंने महाभारत में अपनी युद्ध कला दिखाई और वीरगति को प्राप्त भी हुए। जो नहीं प्राप्त हुए वो हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। महाभारत में एक श्री कृष्ण भगवान ने बहुत कोशिश की कौरवों को समझाने की, शांति दूत बन के भी गए। दुर्योधन के घर 56 भोग का खाना भी ठुकराया, विदुर के वहाँ खाना भी खाया, लेकिन दुर्योधन की मति मारी गई थी, इस वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। द्रौपदी का चीरहरण भी इसका प्रमुख कारण था। द्रौपदी का चीरहरण हुआ जिससे पांडव बहुत नाराज़ हुए। श्री कृष्ण भी इस पर बहुत नाराज़ हुए, हालांकि उन्होंने मदद की बाहर रहते हुए, उस समय वो युद्ध में बिजी थे एकलव्य को हराने के लिए। तो ये तो रही सारी महाभारत की घटनाएँ जो हुई। अगर श्री कृष्ण भगवान पांडवों के साथ ना होते तो मेरे ख्याल से ये युद्ध कौरव आराम से जीत जाते। बहुत ही हेल्प की भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की, उनको युद्ध से बाहर करने की। चलिए बात करते हैं अब टाइटल सॉन्ग की। अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर बानी। महाभारत, महाभारत, ओ महाभारत, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है कुछ नहीं पुरानी। भारत की ये कहानी है कुछ नहीं पुरानी, भारत की ये कहानी। थैंक यू।